वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सर्वाइकल ट्यूबरकुलर लिम्फेडनोपैथी होती है उसके बारे में बात करेंगे कि उसका इलाज कैसा होता है और उसको पहचाने कैसे, पहचानना भी एक कठिन काम होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीबी की। टीबी ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ज्यादातर केसेस में फेफड़े में इन्फेक्शन कराता है, जो लंग्स है उसको अफेक्ट करता है, फिर लंग्स से शरीर के दूसरे हिस्सों में भी टीबी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ फेफड़े बस में हो, कई बार ऐसा होता है कि शरीर के दूसरे हिस्सों में टीबी मिलती है, जैसे कि गले के अंदर है, लिम्फ नोड बढ़ गया, कुछ लोगों के हड्डियों में हो जाता है, कुछ लोगों के पेट के अंदर हो जाता है, कुछ लोगों में स्किन के अंदर हो जाता है, कुछ लोगों में दिमाग के अंदर हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि एक साथ हर शरीर के हिस्से को अफेक्ट करे। ऐसे ही अगर गले के टीबी की बात करें तो जितना टोटल टीबी का केस होता है उसमें से 15 से 20% केसेस ऐसे देखे गए हैं कि सिर्फ गले के अंदर गठान है, जो गला है उसके आसपास एक दो, जिसको गिल्टी बोलते हैं देसी भाषा में, या हम लोग उसको मेडिकल टर्म में लिम्फ नोड बोलते हैं, वो बढ़े हुए रहते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट बस सिर्फ लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है इसकी शिकायत के साथ आते हैं, और कुछ केसेस में जो पेशेंट रहता है वो जो टीबी का जनरल लक्षण होता है जो सबको आता है, जैसे कि वजन का कम होना, भूख ना लगना, रात में पसीना आना, लो ग्रेड का फीवर बना होना, खाना खाने का मन ना करना, इस तरह के लक्षण के साथ गले में गठान करके आता है। तो ये काफ़ी कॉमन है। स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर की बात करें कि किन लोगों में ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चों में कई बार देखने को ज़्यादा मिलती है, जिनकी एज कम है, 10-15-20 साल के जो लोग हैं। महिलाओं में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है इंडिया में, स्पेशली ऐसे लोग जो HIV से ग्रसित हैं, ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका शरीर कमज़ोर है, तो इस तरह के लोगों में ज़्यादा मिलती है। और जो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, ओवर क्राउडिंग में रहते हैं, जो लोग एक ही घर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और घर में किसी भी व्यक्ति को टीबी है, तो उससे ये टीबी का जो बैक्टीरिया है वो लिम्फ नोड के अंदर आ जाता है। तो अगर लिम्फ नोड गले के अंदर बढ़ने की बात करें कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है किसी को एक लिम्फ नोड है तो वो टीबी का ही होगा। गले के अंदर लिम्फ नोड बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी के दांत में दर्द अगर हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, स्किन में इन्फेक्शन है, गला खराब है, कोई टॉन्सिल में समस्या है, तो लिम्फ नोड का बढ़ना फिर अपने आप वो कम हो जाता है 15-20 दिन में, जैसे ही बीमारी वो ठीक होती है तो लिम्फ नोड सबसाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे गले में गठान होना ये नॉर्मल बात है, ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। शरीर में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे लिम्फोसाइट वगैरह रहते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं, वायरस को मारने के काम आते हैं। लेकिन टीबी का जो लिम्फ नोड होता है वो यहाँ पे जैसे निकलता है तो एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, और एक बार निकलता है तो फिर ये अपने से नहीं बैठता जब तक कि टीबी की दवा ना ली जाए। तो अगर किसी के घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको लंबे दिनों से लिम्फ नोड है, नंबर में वो बढ़ता जा रहा है, एक दो होता जा रहा है, साइज भी बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली टीबी का लिम्फ नोड थोड़े दिन बाद रप्चर होता है, फटता है, जैसे यहाँ पे लिम्फ नोड है फटा, उसका ओपस है वो बाहर जाता है और फिर वो दोबारा से हील होता है, दोबारा से फटता, ये चलता रहता है। वहाँ की लिम्फेडिनोपैथी होती है, जैसे कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन के बाद होना, वो अपने आप ठीक हो जाती है या एंटीबायोटिक लेने के बाद ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से इसको पहचानना होता है। बहरहाल अपने देश में ये टीबी की समस्या बहुत कॉमन है। अब इसको पहचाना कैसे जाए, तो ज्यादातर केसेस में देख के घर में कोई टीबी का व्यक्ति है कि नहीं, पुरानी कभी टीबी का इलाज उसको भी चला है, आसपास जिसके साथ रहता है उसको चला है कि नहीं, एक उससे आइडिया मिलता है। फिर जांच के लिए जो ये टीबी है, गठान है, लिम्फ नोड है, उसी में हम लोग जाँच करते हैं, उसमें सुई डाल के उसमें से कुछ मटेरियल निकालना है, उसको बोलते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, उसके अंदर दिख जाता है टीबी का ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन है, ग्रेजुएशन दिखता है। तो एक तो FNAC हो गया, दूसरा जो मटेरियल निकला है उसको स्लाइड में बना के FB स्टेन कर सकते हैं, टीबी का बैक्टीरिया देख सकते हैं, या उसी मटेरियल में से CV नॉट करके एक जांच होती है, जो DNA बेसिकली देखा जाता है, वो हम देख सकते हैं, उसी मटेरियल में से कल्चर कर सकते हैं। तो लिम्फ नोड से मटेरियल लिया और चार जाँचें हो गई। इसके अलावा अगर ज़्यादा लिम्फ नोड बढ़े हैं तो उसको निकाल के बायोप्सी करा जा सकता है। बहरहाल टीबी में ब्लड में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, अगर गले में लिम्फ नोड है, या वैसे भी किसी टीबी में ब्लड से बहुत जांच नहीं होती, कुछ ब्लड में खास पता नहीं चलता, जहाँ पे टीबी है वहीं से जांच करा जाता है। तो ये जाँच का तरीका है, सोनोग्राफी करके देखना रहता है, सोनोग्राफी से थोड़ा आइडिया मिलता है, फेफड़े में देख लिया जाता है ऐसे करके कि कहीं टीबी का कोई फोकस तो नहीं है। तो ये हो गई जांच, ज़्यादातर केसेस में पता चल जाता है कि टीबी है, ज़्यादातर केसेस में। कुछ केस फिर भी छूट सकते हैं, ये भी बात जानने वाली है।
अब अगर इलाज की बात करें तो टीबी का इलाज हर जगह का एक जैसा ही होता है। शुरुआत की जो फेज होती है जिसमें ज़्यादा दवाइयाँ चलती हैं, चार दवाइयाँ चलती हैं 2 महीने के लिए, फिर 4 महीने के लिए थोड़ी दवाई कम हो जाती है। तो जैसे इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज होता है बाकी टीबी की बीमारियों में, वैसे ही लिम्फ नोड की टीबी में भी मिनिमम 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, 6 महीने से कम नहीं चलेगा। तो जैसे शरीर के किसी दूसरे हिस्से में टीबी होती है, जैसे फेफड़े में टीबी होती है, वैसे इसका भी इलाज, जो गले के लिम्फ नोड की टीबी है उसका भी इलाज खाने की दवाइयाँ रहेंगी। खाने की दवाइयाँ रेगुलर खाना है, जब दवाइयाँ चलती हैं तो आँख की जाँच कराना है, लीवर की जाँच कराना है, कान की जाँच कराना है, कोई साइड इफेक्ट आएगा तो डॉक्टर को बताना है। तो ये लिम्फ नोड दवाइयों से ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ये लिम्फ नोड अगर नहीं कम होते दवाइयाँ चलने के बावजूद, उस केसेस में कई बार फिर इसको निकालने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा निकालना बहुत कम केसेस में करना पड़ता है कि निकाला जाए, ज़्यादातर केसेस में दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। तो ये तो जो गले की टीबी है उसका इलाज है, लिम्फ नोड का इलाज है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें एमडीआर टीबी होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, उसमें दवाइयाँ थोड़ी लंबे दिन तक चल सकती हैं, थोड़ी ज़्यादा चल सकती हैं। ऐसे लोग जो बीच में दवाइयाँ स्किप करते हैं, मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, उन लोगों का वो भी कई बार इलाज थोड़ा लंबा चल सकता है। तो कोई स्पेशल इसमें इलाज नहीं चलता, जैसे फेफड़े की टीबी का इलाज होता है वैसे ही टीबी का इलाज इसमें भी होता है। आपको अपने सरकारी हॉस्पिटल के डार्ट सेंटर में जाना है, वहाँ से सारे गाइडेंस आपको मिल जाएगा, खाने की दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी, जाँच मिलेगी, दूसरे भी सपोर्ट मिलेंगे, आप कुछ पूछोगे उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। बस ये समझना है कि अगर घर में या आस पड़ोस में कोई टीबी का मरीज है और किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर घर के ही सदस्य को गले के अंदर गठान आती है, एक दो है और वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, नंबर बढ़ रहा है, तो टीबी हो सकता है, तो उसकी आप जांच करा लें और टीबी का इलाज ले लें।